जीवन में सफल कौन नहीं होना चाहता? पद में, प्रतिष्ठा में आकाश जैसी ऊंचाई किसे नहीं चाहिए? स्थिरता में भूमि जैसी दृढ़ता किसे नहीं चाहिए? सभी को चाहिए, परंतु सफलता का पुष्प अपने साथ अहंकार का कांटा भी लाता है। सफलता आपको आनंद देती है, उपलब्धि आपको गर्व देती है, और फिर यही आनंद धीरे धीरे अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, फिर अतिक्रमण में और अंततः अन्याय में, और यहीं से सफलता का नाश प्रारंभ हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सफलता लोगों की दृष्टि में सम्मान बनकर रहे, लोगों के मन में शूल बनकर नहीं, तो ये आप वृक्ष से सीखिए। फलों से लदने के पश्चात वो झुक जाता है, उसी प्रकार सफलता मिलने पर विनम्रता अधिक आवश्यक है। और जीवन में अधिक सफलता पाने के लिए या पाने पर और अधिक विनम्र हो जाना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी करना या किसी का अपमान करना? संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं लौह पिघला रहा हूं, और ये लौह पिघलता है इस चमड़ी की बनी धोनकी से निकली हवा से। तनिक सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धोनकी इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती? ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया, तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल, काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है? जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है, उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है, सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा, इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए।
आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। हम सब अपनों की, अपने मित्रों की, परायों की सहायता करते हैं, परंतु हम सब के मन में एक व्यथा रह जाती है कि वो हमारा उपकार भूल गया, कि उसने हमें सम्मान नहीं दिया, कि समय पड़ने पर उसने हमारी सहायता नहीं की। होता है ना ऐसा? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें उपकार भुला देना चाहिए या नहीं, और उत्तर भी दो हैं, हां भी और ना भी। हमें दूसरों पर किए गए उपकार को भुला देना चाहिए, परंतु यदि किसी ने हम पर उपकार किया है तो उसे नहीं भुलाना चाहिए। यदि दूसरों पर किए उपकार भुला दिए तो अपेक्षा नहीं रहेगी, अपेक्षा नहीं रहेगी तो वो टूटेगी नहीं, मन कुंठित नहीं होगा, और स्वयं पर किए गए उपकार को स्मरण रखा तो उसे चुकाने के लिए सदा तत्पर रहेंगे, उपकार करने वाले के कृतज्ञ रहेंगे, तब भी मन प्रसन्न रहेगा। और यदि हम सभी ऐसा करने लगे तो सबके मन को संतोष रहेगा।